अभी हम सैंडिस कंपाउंड के अंदर हैं, जो कि भागलपुर का बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जो स्मार्ट सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत शिक्षक हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे रूबरू होंगे, इनसे जानेंगे इनका अनुभव कैसा है भागलपुर के अंदर, और इनकी राय जानेंगे कैसा कुछ उनको लग रहा है, क्योंकि आज यहाँ मेला भी है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं। हम एक एक शिक्षक से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उनका अनुभव आखिर यहाँ पे कैसा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ से हैं। जी मैं बेलहर से हूँ। सर आपको कैसा यहाँ लग रहा है? जी सबसे मैं अपना नाम बता दूँ, मैं अविनाश हूँ और मैं बहुत दिनों के बाद सैंडिस कंपाउंड आया हूँ। और जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा नहीं कि ये वही सैंडिस कंपाउंड है जो 10-15 साल पहले हम लोग घुमा करते थे, और अब मैं बहुत चेंजिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी संख्या में लोग भी जुट रहे हैं। सर आप पहले इक्का दुक्का लोग इस टाइम में नजर आते थे, अभी आज बहुत संख्या में लोग मुझे सामने पार्क में बैठे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं। सर आप बताइए, आप बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत चेंज हुआ है, तो आप बताइए क्या और यहाँ पे बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से, और क्या कुछ होना चाहिए? थोड़ा बहुत तो और चेंजिंग होना चाहिए, जैसे कुछ हरे हरे घास नए नए उगने चाहिए थे, और वैसे तो हैं कुछ, लेकिन कुछ जो स्टेडियम में है उसमें भी होने चाहिए, और लाइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा रास्ते में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, बस और सब तो ठीक है। अविनाश सर कहना है कि बहुत कुछ सुधार हुआ है कई दशकों के अंदर और कुछ सुधार की गुंजाइश है, सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? सुधार तो दिख रहा है, क्योंकि मैं भी भागलपुर में रहा हूँ 87 में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, आज कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन और कुछ जो बताया इन्होंने सुधार की आवश्यकता है, लाइटिंग की कमी है, लाइट को मैदान में होना चाहिए, लाइटिंग की कमी है, घास हरा भरा होना चाहिए, सुविधाएं में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जी सर आप कहाँ से आए हैं? हम बेलहर से आए हैं। सर आप क्या चाहते हैं, ये सैंडिस कंपाउंड भागलपुर आपको कैसा लगता है, आपका अपना अनुभव बताइए। बहुत अच्छा लगता है। तो सर आप शायद बहुत दिनों बाद यहाँ पे आए होंगे, क्या कुछ आपको यहाँ पे नया नया लग रहा है, नया चीज़ आपको यहाँ दिख रहा है? नया चीज़ बस लाइटिंग का थोड़ा सा ज़्यादा व्यवस्था है। जी सर। और सर जैसे सर यहाँ पे कहा जाता है कि ये कपल स्पॉट है, कपल स्पॉट समझते हैं आप, कि जो युगल जोड़ यहाँ अक्सर आते हैं, तो क्या लगता है कि इस पे ये सही है या नहीं है, या आगे इसको रखा जाना चाहिए या गलत है, बताइए आप? रखा जाना चाहिए। जी सर आप कहाँ से हैं? मैं बेलहर से। सर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, सर कैसा लग रहा है सैंडिस कंपाउंड? स्मार्ट सिटी बनने के बाद भागलपुर में बहुत ज़्यादा बदलाव है, इस स्थान का भी गुणवत्ता वहाँ है, यहाँ के रहन सहन, यहाँ उपस्थित मतलब सारे कपलों में एक नया उत्साह का सीजन हुआ है, माहौल खुशनुमा है और सब ठीक है। जी सर आप बताइए कुछ, मतलब आप यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी गहन चिंतन में हैं, क्या आप सोच रहे हैं अभी फिलहाल, आपके मन में क्या चल रहा है? होम डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है? जी, जी सर। आप बांका में फिलहाल हैं? हाँ, मेरा शिक्षा दीक्षा यहीं भागलपुर के एनबी कॉलेज से हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पीजी हिस्ट्री है और पहले आते थे अक्सर, और अभी बहुत चेंजिंग हुआ है। तो सर आपको बहुत अच्छा भागलपुर लग रहा है, आपकी कर्मभूमि भागलपुर ही रही है। मेरे साथ दीपक अमर सर हैं, सर आप बताइए आप कहाँ से हैं? बांका जिला बेलहर प्रखंड। सर आप जो बहुत शिक्षक ने बताया कि हम बहुत कुछ विकास हुआ है, अपने बांका में क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि लगे कुछ वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कुछ चाहते हैं वहाँ पे हो? बांका में अर्बन के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है होना, स्टेडियम का भी अभाव है, जो कि बच्चे खेल जगत में पीछे चल रहे हैं। मतलब इनका कहना है बांका में स्टेडियम चाहिए, पार्क चाहिए। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भागलपुर में हवाई अड्डे की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, जिससे कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, जो कि अक्सर वो पटना उतरते हैं और पटना से ही उतरने के बाद अगली गाड़ी से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं हवाई अड्डे को लेकर, क्या आपके मन में सवाल है? हवाई अड्डा में विकास होना चाहिए, व्यापार का मुख्य केंद्र है भागलपुर, यहाँ से उड़ान भरनी चाहिए, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यातायात सुलभ हो, लोग आसानी से व्यापार कर सकें, व्यापार का केंद्र है भागलपुर, मेरे दृष्टिकोण से विकास होना चाहिए। सर हवाई अड्डे पे आप क्या कहते हैं हवाई अड्डे पे? हवाई अड्डा जो पुराना हवाई अड्डा था उसका रनवे जो है छोटा पड़ जाने के कारण जैसा यहाँ से नहीं सक्सेस होगा, तो गोराडीह रोड में जो है हवाई अड्डा का भूमि जो अधिग्रहण किया जा चुका है, हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्द जो है यहाँ से विमान सेवा शुरू होना चाहिए। मैं लास्ट फिर जाना चाहूँगा अविनाश सर के पास, सर यहाँ पे
मेडिकल कॉलेज भी है, क्या यहाँ पे कुछ और अच्छा होना चाहिए उस कॉलेज के अंदर? मेडिकल कॉलेज में कुछ और सुविधाएं बढ़नी चाहिए और कुछ क्लासेस भी बढ़ने चाहिए। और दूसरा बात है, यहाँ पे एक एयरपोर्ट का बहुत ज़्यादा कमी है, एयरपोर्ट बहुत आवश्यक है। और तो सब कुछ ठीक है सर, स्मार्ट सिटी फुल्ली कहला जाएंगे। वीरेंद्र सर, आपसे एक चीज़ मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ कि भागलपुर काफ़ी डेवलप हो रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत चीज़ें कमी है, तो ऐसे में आप और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतलब यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है या क्या यहाँ पे एम्स होना चाहिए? एम्स होना चाहिए कि भागलपुर से छोटा जिला देवघर है, वहाँ एम्स खुला, लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। हमारा ये पुराना जिला होते हुए बड़ा जिला है, उसके बावजूद भी यहाँ एम्स की सुविधा नहीं है, ये खेद की बात है। और जहाँ तक एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। पुराना एयरपोर्ट था भी, उसका डेवलपमेंट न करके उसको धीरे धीरे शिथिल कर दिया गया है।